वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स जो बिल्डिंग जो इफ्तिताही तकरीब जो इफ्तिताह करण सा गड साइंसी मेले जो भी इफ्तिताह कयो जदें त कैडेट कॉलेज अंदर बूटो पिण पोखियो उन मौके ते हुन मीडिया सा गलाईंदे चयो त वफाक ऐं सिंध हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़ हुजण करे सॼे पाकिस्तान खे नुक़सान थी रहियो आहे। वफाक जो सिंध सां रवैयो सुठो न आहे, न ई हू सिंध खे पंहिंजो सूबो तस्लीम करण लाइ तयारु आहे। की वजह से क्या सिंध को नुकसान हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को नुकसान है। जो रवैया इस वक्त बढ़ता हुआ है कि आपने ना किसी सिवाय अपनों के, वो अपने आप को अपना और पराया कर दिया इन्होंने पूरे पाकिस्तान को, बात भी ऐसी करते हैं, ये तो हमारा है ही नहीं, सिवाय अपनों के किसी और से ना बात करनी। ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुँच रहा है। जो एक्सक्लूसिविटी की पॉलिसी रखी हुई है पीटीआई की हुकूमत ने कि ना किसी सूबे से बात करनी है, ना किसी और सियासी जमात से बात करनी है, ना कौमी असेंबली में अपोजिशन के साथ बात करनी है, ये चीज़ें पूरे मुल्क को नुकसान दे रही हैं। चयो तो जहांगीर तरीन की नाराज़गी मां सिर्फ टीवी ते दिसां तो जहांगीर तरीन की नाराज़गी टीवी पे नज़र आ रही है, वो देख रहे हैं, लेकिन फिर उनका कल बयान भी मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि नहीं जी मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ। तो अभी तक कल भी मुझसे सवाल हुआ था कि अभी तक शायद उन्हें कुछ उम्मीद बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद उनकी खत्म हो जाएगी। इन पीडीएम जे पुछल सवाल बाबत चयो त इन ते मां को भी कमेंट्स न दींदस, यो पार्टी अगवाणन जो मसलो आहे। मेरी देखे मैं इन पे कमेंट नहीं करूंगा इन चीजों पे, सारे को हक है अपनी सियासी आइडियोलॉजी के बोलने का। कैमरामैन रफाकत आरा इसा गरज रफकार खास के लिए सिन टीवी न्यूज़।